गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे और उसमें दो माध्यमों के लिए उत्क्रमणीयता का नियम सूत्र और तीन माध्यमों के लिए उत्क्रमणीयता का नियम और सूत्र, इसकी पढ़ाई हम लोग कर चुके थे। और हमने बताया था कि तीन माध्यम के लिए जो उत्क्रमणीयता का सूत्र है उसको कैसे लिखा जाए, एक टिप्स भी बता दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले बेला इंटर कॉलेज मंगलपुर कुशीनगर के बच्चों के बारे में जो सूचना हमको मिली है कि वो बड़े जम के पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, हमको अभी थर्ड पर्सन से सूचना मिली है और उसमें कुछ बच्चे तो यहाँ तक विश्वास दिलाए हैं कि हम लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो अच्छा लगा सुनकर। लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम आप लोगों का बढ़िया टेस्ट लेंगे, उसके बाद सुविधाएं बढ़ाएंगे। तो अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि चाहे जैसे भी मुझे ये सूचित कीजिए कि आप लोगों को जितना पढ़ाया गया उतना तैयार कर लिए और हमको बताइए, फिर मैं टेस्ट लूँगा, टेस्ट का नंबर आपको दूंगा, फिर आगे की जो हमने कहा है सुविधाएँ देने की वो। आइए अपने टॉपिक पर। तो तीन माध्यम के लिए उत्क्रमणीयता के नियम का सूत्र हमने डिराइव किया था, साल्व किया था, तो उस सूत्र को लिखने का टिप्स जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सवाल आता है और उसमें तीन माध्यम दिए हैं, एयर यानी वायु, जल और कांच, ये वाटर है, ग्लास है, ये तीन माध्यम आपको दिए हैं। कोई न्यूमेरिकल है जो तीन माध्यम से संबंधित है, वो तो सवाल पढ़ते ही आप जान जाएंगे कि कौन कौन से माध्यम की चर्चा है। तो मान लीजिए ये तीन माध्यम दिए गए, अब इन तीनों का उत्क्रमणीयता का सूत्र लिखना है, तो ये सिंबल बना लीजिए तुरंत ऐसे। अब देखिए उत्क्रमणीयता का सूत्र क्या होगा, ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इज इक्वल टू वन, सूत्र बन गया। अब इसमें कोई भी दो दिया रहेगा तीसरा निकल जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको मीडियम दे दिया गया एक्स वाई जेड और इसमें उत्क्रमणीयता का नियम का सूत्र लिखना, उत्क्रमणीयता का सूत्र लिखना है, तो सीधा सा ऐसे कीजिए। अब बोलिए एक्स म्यू वाई इंटू वाई म्यू जेड इंटू जेड म्यू एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो कोई भी यदि तीन माध्यम दिया जाए, आप सवाल पढ़ेंगे तो उसमें तीन माध्यमों के नाम आएंगे ही चर्चा में और आपको लगता है उत्क्रमणीयता का सूत्र बनाना चाहिए, तो आप तीनों माध्यमों को ऐसे लिख लीजिए और सीधा जैसे टिप्स बताया हूँ वैसे सूत्र बना लीजिए। तो ये दो माध्यम और तीन माध्यम के लिए उत्क्रमणीयता का सूत्र हो गया, ठीक है। अब अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग है आपकी और बड़ा महत्वपूर्ण हेडिंग है ये, क्रांतिक कोण, इसको इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, और इसको जनरली सी से भी प्रदर्शित किया जाता है या थीटा सी से भी प्रदर्शित किया जाता है, ये याद रखिए कि क्रांतिक कोण को या तो सी से लिखिए या थीटा सी से लिखिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा पढ़ने से पहले जरा समझा जाए कि ये क्रांतिक कोण होता क्या है। यहां किनारे, जैसे मान लीजिए ये एक अंतरा पृष्ठ है एमएन जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, नीचे वाला माध्यम हमने मान लिया सघन और ऊपर वाला माध्यम मान लिया हमने विरल। किसी मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण हम सघन से विरल में भेज रहे हैं, तो अपने प्रकृति के अनुसार इस किरण को तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहां के बाद माध्यम परिवर्तित हो रहा है इसलिए आप जानते हो कि प्रकाश की किरण अपने वो वास्तविक पथ से होकर जाएगी नहीं, अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगी। विचलित होकर किधर जाएगी यही जानने के लिए हम अविलंब खींचते हैं, अविलंब खींच लिया। अब चूंकि प्रकाश की किरण जा रही है सघन से विरल में इसलिए अविलंब से दूर हटेगी, ऐसे हट गई, ठीक। तो सघन माध्यम का ये आपतन कोण हो गया, ठीक है ना।
अब सघन माध्यम का यदि आपतन कोण थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, यानी अब आपतन कोण ये कर दिया, तो अपवर्तन कोण जो ये था वे भी बढ़ जाएगा। फिर आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो अपवर्तन कोण थोड़ा और बढ़ जाएगा। यानी प्रकाश की जितना ही आप आपतन कोण बढ़ाते चले जाएंगे, अपवर्तित किरण अभिलंब से उतनी ही दूर होती जाएगी, ठीक है ना। अब आपतन कोण थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब से दूर हो गई। देखिए अभिलंब ये है, यहां से यहां हो गई। अब थोड़ा और यदि आपतन कोण बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तित किरण ऐसे निकलेगी, यानी अभिलंब से अपवर्तित किरण के बीच 90 अंश का कोण बनने लगेगा। तो जब ऐसे स्थितियां आ जाए कि आप किसी प्रकाश की किरण को सघन से विरल में भेज रहे हो और विरल माध्यम में अपवर्तन 90 अंश पर होने लगे, तो ऐसी दशा में सघन माध्यम का ये जो आपतन कोण है जिस पर किरण को भेजने पर अपवर्तन 90 अंश पर हुआ है, इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। तो क्रांतिक कोण का आप परिभाषा ये दे दीजिए कि सघन माध्यम का वह आपतन कोण, लिख दे रहे हैं, सघन माध्यम का या सघन माध्यम में, दोनों लिख सकते हो, वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन विरल माध्यम में 90 अंश पर हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अब इसको चित्र से साफ साफ दिखा दीजिए। मान लीजिए आपका ये अंतरा पृष्ठ है और नीचे ये सघन माध्यम। सघन माध्यम को इंग्लिश में डेंसर कहते हैं, इसलिए डी से लिख दे रहे हैं, और विरल माध्यम को रेरर कहते हैं, इसलिए आर से लिख दे रहे हैं। अब मान लीजिए एक प्रकाश की किरण हम सघन से विरल में भेज रहे हैं, ठीक है, और किरण ऐसे जाने के बजाय ऐसे जा रही है, यानी अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो जब अपवर्तन 90 अंश पर होने लगे, तो उस दशा में सघन माध्यम का ये जो आपतन कोण है, इसी को क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है, यही क्रांतिक कोण हो गया। अब यहां पर जरा स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से तो क्या है, स्नेल का नियम, साइन आपतन कोण, आपतन कोण यहां सी है, बटे साइन अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यहां 90 अंश है, बराबर, यहां अपवर्तनांक हमने बताया था स्नेल के नियम में हमेशा द्वितीय माध्यम का लेते हैं, तो यहाँ पर जिसमें आपतित किरण होती है वो तो प्रथम माध्यम है, यही द्वितीय माध्यम है, तो यहाँ पर हम अपवर्तनांक द्वितीय माध्यम का लेंगे प्रथम के सापेक्ष, तो प्रथम ये है द्वितीय। अब यदि हम d को इधर कर दें और r को इधर कर दें तो ये भी पलट जाएगा, तो इसी को लिख सकते हो कि म्यू आर डी, हमने यहाँ पर D को इधर कर दिया, R को इधर कर दिया, तो जब ये बदलोगे तो ये ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया साइन 90 अपॉन साइन C, या साइन 90 का मान एक होता है, एक बटे साइन C बराबर R म्यू D, यानी सघन का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष, या साइन C बराबर 1 अपान आर म्यू डी। तो यहां से किसी भी माध्यम, दिए गए माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण सी निकालना हो तो इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, या आप चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख लीजिए, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान आर म्यू डी। तो एक बात याद रखना,
कि जब भी किसी प्रकाश की किरण को सघन से विरल में भेजो, क्रांतिक कोण की अवधारणा तभी आएगी जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाए, विरल से सघन में नहीं। तो यदि कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में भेज रहे हो और यदि ये आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी क्रांतिक कोण पर भेज रहे हो, तो अपवर्तन 90 अंश पर होगा। यदि क्रांतिक से कम कोण पर आप प्रकाश को सघन से विरल भेज रहे हो तो अपवर्तन 90 से कम होगा, और यदि क्रांतिक से अधिक कोण पर प्रकाश को सघन से विरल में भेज रहे हो तो अपवर्तन भी 90 से अधिक कोण पर होगा, ठीक। और यहां एक बात लिख लीजिएगा, क्रांतिक कोण अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन दिए गए माध्यमों के लिए क्रांतिक कोण का मान निश्चित होता है, फिक्स होता है, अपरिवर्तित होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ये क्रांतिक कोण हेडिंग आपकी खत्म हो गई। अगली हेडिंग लिखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी इंग्लिश होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या इसको शॉर्ट में TIR भी कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, हमने अभी अभी आपको बताया है कि यदि किसी प्रकाश की किरण को सघन से विरल में क्रांतिक कोण पर भेजोगे तब तो अपवर्तन 90 अंश पर होगा, और यदि क्रांतिक से अधिक कोण पर भेज दिया जाए, यानी ये हमारा आपतन कोण है, ये जो क्रांतिक कोण से अधिक है, देखिए, तो यदि प्रकाश की किरण को सघन से विरल में क्रांतिक से अधिक कोण पर भेज दिया जाए तो अपवर्तन भी 90 से अधिक कोण पर होगा, यानी 90 से अधिक कोण पर इधर आ जाएगी प्रकाश की किरण। यानी यदि किसी प्रकाश की किरण को सघन से विरल क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर भेज दिया जाए तो अपवर्तन 90 अंश से ज्यादा कोण पर हो रहा है, और 90 अंश से ज्यादा कोण पर अपवर्तन होने का मतलब कि प्रकाश की किरण फिर उसी सघन माध्यम में ही लौट आई। देखिए सघन से ही भेजा था, सघन से ही लौट आई, पहले ही माध्यम में लौट आई, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसको जरा साफ फिगर से बनाकर समझिए, जैसे मान लीजिए ये अंतरापृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है, और ये हमने डॉटेड लाइन से सघन माध्यम का सिंबल बनाया है, ये सघन माध्यम है, डेंसर ये रेडर। अब एक प्रकाश की किरण को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेज रहे हैं, और यहां आपतन कोण हमने थीटा लिया है जो क्रांतिक कोण से अधिक है। तो हमने अभी बताया है कि यदि प्रकाश की किरण को सघन से विरल में भेज रहे हो और आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक है, आपतन कोण का ये मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक है, तो ऐसे हालत में विरल माध्यम में जो अपवर्तन होगा वो 90 अंश से अधिक कोण पर होगा, यानी ये आप अपवर्तन कोण है R जो 90 अंश से अधिक है, यानी प्रकाश की किरण फिर प्रथम माध्यम में ही आ गई, घनत्व सघन माध्यम में ही आ गई। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसको परिभाषित कर दीजिए, यहाँ परिभाषा आप खुद लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं कि यदि किसी प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार भेजा जाए कि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण पुनः पहले ही माध्यम यानी सघन माध्यम में वापस हो जाती है।
इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा लिखकर ये फिगर बना लेना। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्तें क्या हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर संबंधित हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, इन पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।